भू माफिया द्वारा रातोंरात रोडवेज बस स्टैंड की दीवार को गिराया गया था, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उस रास्ते को अस्थायी रूप से दीवार खड़ी कर बंद कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हेड गेवा रोडवेज बस स्टैंड की बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर रास्ता बनाने की नीयत से अज्ञात लोगों द्वारा रविवार सोमवार की मध्य रात्रि में महाराणा बंगला और रोडवेज बस स्टैंड के बीच बनी दीवार को तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत रोडवेज बस स्टैंड इंचार्ज दिनेश सिंह चौहान द्वारा कैंट थाना कलेक्टर SP RTO विभाग एवं डिपो के अंदर व भोपाल विभाग में की थी। इसके बाद मंगलवार को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी गई दीवार व खोले गए रास्ते को पतरे लगाकर पुनः बंद किया गया। हालांकि इस दौरान वहां के व्यापारियों ने विरोध भी किया, परंतु पुलिस की मौजूदगी होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं। बस स्टैंड प्रभारी दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य पथ परिवहन विभाग के आदिपुर के भूमि पर नीमच सिटी रोड पर बस स्टैंड बना हुआ है, जिसे रोडवेज बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। उक्त भूमि की पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दिशा में दीवार बनी हुई है। बस स्टैंड के उत्तर दिशा की दीवार महाराणा बंगला से सटी हुई थी, जिसे 20 व 21 फरवरी की रात्रि में तोड़ दिया गया। इस दीवार को अज्ञात भू माफिया द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया है। तारीख की शाम को मैं यहाँ से 8 बजे देख के गया था, तब व्यवस्थित थी जी। और सुबह जब मैं 6 बजे आया यहाँ 21 तारीख को, 20 और 21 की रात में जिस समय टूटी पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। सुबह उठ के मैंने पूछा तो किसी को, बोले हमने रात में कोई थे ही नहीं, हमने देखा कैसे गिरी, क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं। अब क्या इसमें कोई भूल क्या साथ में है कि क्या है भगवान जाने। मैंने पुलिस थाना TA साहब को करी, माननीय कलेक्टर महोदय को करी, माननीय SP महोदय को करी, RTO में करी और हमारे संबंधित विभाग में भोपाल। और ये तो इतने सालों से थी, कितने समय से थी ये? तो जब से डिपो बना है तब से बाउंड्री वॉल बनी हुई है पूरी, पर यहाँ बिना बारिश बिना हवा के किस तरीके से गिरी क्या समझ में नहीं आ रहा, होगा किसी भूमाफिया का। राज्य शासन द्वारा अनुपयोगी भूमियों को विक्रय करने की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिसमें उक्त बस स्टैंड की भूमि का भी विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है। परंतु तथाकथित भू माफिया द्वारा उक्त संपत्ति को खुर्द खुर्द कर अवैधानिक रास्ता बनाने का प्रयास रोडवेज बस स्टैंड की भूमि पर किया गया। महाराणा बंगले के दक्षिण भाग से सटी रोडवेज परिसर की दीवार को धराशायी कर दिया गया। यहाँ एक हेडपंप भी था, जिसे भी बंद कर दिया गया। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे एक व्यवसाय कॉम्प्लेक्स अभी है। यदि यह दीवार टूटती है और इधर से रास्ता मिलता है तो व्यापारियों को इसका लाभ